नहीं कर्म से भाई धर्म से नहीं भरम, ये सही तू थोड़ा देना खोल ले या गलत है सही तू खोज लेना, क्यों फिर अफाम भटकते भाई ये भड़कते यही पर समझते नहीं, रख कॉशन द पॉसिबल है भी तेरे बहुत से थॉट्स पहुंचे कॉन्सिक्वेंस पे नहीं, करे वॉर तो फिर मौत से बचे नहीं तो होगा गॉड लेवल पे गॉड लेवल पे नहीं। और क्या हाल चाल, सो तुम लोगों को पता है ना अभी विनोद हद से ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में भी मेरे को बहुत सारा दिख जाता है, प्लस मैं कहीं पे भी देखता हूँ किसी के लाइव स्ट्रीम में या फिर किसी के भी कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम हो या फिर कोई भी फीड हो वीडियो, विनोद विनोद हर जगह छाया हुआ है। तो देयर इज दिस गाय अगेन, दैट गाय फ्रॉम आसाम, आई हैव टोल्ड यू अबाउट बिफोर एंड कम्युनिटी टैब पे मैंने उनका डाला था। सो उन्होंने एक वीडियो बनाया एंड ट्रस्ट मी ब्रो, दैट्स एज ब्रो सही मैं बता रहा हूँ, मतलब इतना वीडियो है ना वो, मतलब हंस हंस के पागल हो जाओगे। उसमें एक बंदा है विनोद नाम का, उसने उसको फीचर करके एक वीडियो बनाया एंड वो बंदा मतलब उसकी हालत देख के तुम लोग हंस हंस के पागल हो जाओगे लिटरली, उसकी हरकतें देख के। मैंने वीडियो देखा जस्ट बिफोर रिएक्टिंग ऑन इट, सो आई एम जस्ट स्पीकिंग अबाउट इट, सो आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर एक बार ही देखना चेक करना है। एंड अगर आप यहाँ से वहाँ जाते हो तो लाइक छोड़ के कॉमेंट में लिख देना फ्रॉम T.7 लाइफस्टाइल। हेलो व्हाट इज अप पीपल, दिस इज तरुण फ्रॉम इंदौर, क्या बोलती हिप हॉप सुनने वाली पब्लिक। सो अगेन जस्ट थोड़े दिन पहले, हफ्ते पहले प्रेजेंट के साथ गाना आया था एमी वे का इंटरनेशनल कोलैब, एंड अभी जस्ट फिर से कुछ ही हफ्ते बाद अगेन इंटरनेशनल कोलैब विथ नाना रोग्स। नाउ इफ यू डोंट नो हु इज नाना रोग्स, सो ही इज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर हु हैज प्रोड्यूस्ड इन द पास्ट फॉर ड्रेक, यस सर वही वाला ड्रेक जो बहुत अमीर है, 2C स्लाइड वाला, वो वाला ड्रेक उसके लिए प्रोड्यूस किया है एंड गाने का नाम था पैशन फ्रूट। तो उसका प्रोड्यूसर है बंदा एंड एमी वे इज कोलैबोरेटिंग विद हिम एंड उसका बीट यूज़ किया है, बीट बना के दिया रहेगा, अच्छे से प्रोड्यूस करके दिया रहेगा। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सॉन्ग एंड गाने का नाम है चार्ज। तो मुझे देखना है कि यार ये किस टाइप का गाना होने वाला है। बेसिकली ये बहुत ही इस टाइप का गाना रहेगा जिसमें कहते हैं ना पब्लिक को चार्ज करने की कोशिश करें, एकदम कुछ चिल्ला के या फिर बहुत तेज़ या फिर कुछ भारी आवाज़ में, इस तरीके का कुछ ही उन्होंने यूज़ किया रहेगा क्योंकि इसके अलावा और तो कुछ तरीके होते नहीं है पब्लिक को चार्ज करने का, है ना, जो पब्लिक एकदम पागल हो जाए सुन के। तो इस टाइप का कुछ गाना रहेगा एंड देखते हैं यार म्यूज़िक वीडियो किस टाइप का होता है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं फिलहाल दिमाग में। तो जो भी बातें रहेंगी एमी वे बंटाई से रिलेटेड एंड गाने से रिलेटेड वो हम लोग करेंगे आफ्टर द वीडियो, द पॉजिटिव द नेगेटिव्स एंड द T.7 रेटिंग ऑफ द सॉन्ग पूरा देखने के बाद एंड पूरा सुनने के बाद कैसा क्या है। तो बिना किसी देरी के रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। मैं तो बाहर भी नहीं जा रहा, मैं तो कार में घूम रहा, लामरे ना खोलने का बारिश आया शब्दों का, मैंने बेटा खबरों का, मैं तो बेटा खबरों के सुर्खियों में मरते हैं लड़कियों पे जो मरती हम पे, हाँ को मल सी दूरी थी मेरी तरह वो भी थोड़ी टपोरी थी, बाकी जो भी बोलूंगा मैं समझ में आया तो फिर गाना बना तू भी जाके मेरी तरह। सांस लिए बिना बात करूँ, रात करूँ, रात करूँ, यहाँ करूँ, क्या करूँ, वेपन मेरे जुबान को चलेगा तो सब चड्डी खींचे, किसी से जलेगा तो फिर रह जाएगा पीछे, गाने तुम्हारे लग रहे पीजे इसलिए तो बजा रहे डीजे, कान के तो नीचे नाप के फटके बाप से डर के रे, वरना काम कर हट के सब क्यों फटके रे। Muchos, gracias, pesos, pesos, eso, bueno, do you, bye, ando, nido, nana, told you, I don't, fucker, yaura, गाना बजने वाला, मैं तो बाहर भी नहीं जा रहा, मैं तो कार में घूम रहा, लामरे ना खोलने का बारिश आया शब्दों का, मैंने बेटा खबरों का, मैं तो बेटा खबरों के सुर्खियों में मरते हैं लड़कियों पे जो मरती हम पे, हाँ को मल सी दूरी थी मेरी तरह वो भी थोड़ी टपोरी थी, बाकी जो भी बोलूंगा मैं समझ में आया तो फिर गाना बना तू भी जाके मेरी तरह। बक बक ज़्यादा करे काम
इनका कम नाम इनका कम आके पूछो मुझे कहां मिलता। हम सारे गाने हिट देने वाला मैं तो, क्योंकि मैं तो कितने तो साल से मिला गया मैं सारे जा रहे एक तरफ पे बेड़ा अकेला मैं थकेला नहीं अकेला मैं किसी को भी पास में इसलिए तो गाना बना ऐसे मेरे पास में खुद से करूंगा जो भी करना है सब मेरे पास में। Okay, so we have completed our reaction. So, talking about the song, अगर आप ये गाना ध्यान से सुनेंगे तो आपको MUA के एक पुराने गाने की याद आएगी जो है ध्यान दे। Now, ध्यान दे जो गाना है जो जंगलों में शूट हुआ है ड्रम्स के साथ, वो बहुत इसी टाइप का थोड़ा बहुत था, मेरे को सिमिलैरिटी लगी एंड उसी टाइप की फील मिली ध्यान दे टाइप। सेकेंड थिंग जो मैं बात करना चाहूंगा कि म्यूजिक वीडियो पे बहुत तगड़ा काम किया है MUA बंडा ने, बताया था ये म्यूजिक वीडियो ऑलरेडी शूट हो चुका था इसीलिए बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा क्वालिटी, बहुत प्यारा म्यूजिक वीडियो है एंड इसमें और लोग भी यूज किए अलग से जो डांसर्स एंड ऑल, सो मतलब इस बार बजट अच्छा था हमेशा की तरह। एंड आई टॉक अबाउट द म्यूजिक, तो मेरे को म्यूजिक उतना अच्छे से समझ में नहीं आया, म्यूजिक इन द सेंस कि जो बीट प्रोड्यूस करी है मुझे वो उतना हिट नहीं किया बीट, लेकिन MUA ने जो उसके ऊपर गाया आई एम श्योर बंटा की पब्लिक चार्ज तो हुई रहेगी उसके ऊपर। दीज आर द पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पे भी आएंगे अपन सब बात करेंगे। सो चार्ज तो हुई रहेगी पब्लिक एंड इस गाने से मतलब ऐसा है कि ये ना बेसिकली जो मोटिव था कि यार पब्लिक को चार्ज करना है, सो जैसे नाना रोग्स जब बोलता है कि चार्ज चार्ज, तो आप लोग ने ध्यान दिया रहेगा कि जब आप कॉन्सर्ट वगैरह में जाते हो तो वहाँ पर जो DJs रहते हैं या फिर जो लोग रहते हैं जो परफॉर्म करने के लिए कहते हैं जंप जंप, तो यहाँ पे उसी का चार्ज चार्ज। सो दैट्स द सिमिलैरिटी जिस हिसाब से पब्लिक को चार्ज करने का ट्राई किया MUA ने यहाँ पे, क्या वो चॉपर फ्लो बोलते हैं ना एकदम तेज तेज गाना जो वो पहले भी कर चुका है वो किया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव पॉइंट, उससे भी पहले एक पॉजिटिव पॉइंट, ही इज रियली वेरी कंसिस्टेंट मैन, लाइक लोग कंसिस्टेंटली वीडियो नहीं डालते, ये बंदा इंटरनेशनल कोलैब्स डाल रहा है, सो इट्स अ बिग थिंग ब्रो, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग डील एंड अच्छा लगता है देख के इंडिया से कोई बंदा अभी ऐसा कर रहा है एंड ही इज जस्ट सेटिंग अप अ बेस फॉर अपकमिंग रैपर्स की उनको भी जोश है कि येस ब्रो इफ ही इज डूइंग इट इंडिपेंडेंटली वी कैन ऑल्सो डू इट इंडिपेंडेंटली। सो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये अच्छा इंपैक्ट छोड़ रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स में मैं ये एक क्रिटिसिज्म देना चाहूँगा कि आई फील कि इट वेंट वे टू फास्ट एंड समवेयर आई फेल्ट दैट इट वॉज अ बिट ऑफ नथिंग एल्स अ बिट ऑफ एंड जो गाना है मेरे को लगता है एवरेज था, एक मैंने जो एक्सपेक्ट किया था लाइक नाना रॉक्स इज अ यू नो प्रोड्यूस्ड फॉर ड्रेक एंड ड्रेक का पैशन फ्रूट सुनो बहुत तगड़ा गाना है, सो मुझे गाना थोड़ा एवरेज लगा एंड बस यही दो पॉइंट है, इसके अलावा और कुछ नेगेटिव नहीं है, बस ये दो छोटे से माइनर पॉइंट्स है जो मुझे पर्सनली फील हुआ जो मैंने आपको बताया, क्योंकि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव बताना भी जरूरी है क्योंकि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना इज नेसेसरी, नहीं तो लोग आपको बायस्ड बोलते हैं। सो दिस इज द थिंग एंड सेकेंड थिंग कि आप इसको T.7 रेटिंग में से कितना रेटिंग देंगे, मतलब कि T.7 रेटिंग में आउट ऑफ सेवन आप इसे कितना रेट करेंगे एंड जितना रेट किया है अगर आप 7 out of 7 कर रहे हो तो क्यों, अगर आप 7 out of 4 कर रहे हो तो क्यों, आपको क्या पसंद आया गाने में क्या नहीं पसंद आया, मैंने अपना बता दिया, अब आप लोग की बारी है, आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग को क्या पसंद आया, आप लोग को क्या ना पसंद आया, क्या अच्छा हो सकता था क्या बुरा था क्या अच्छा था, सब कुछ बताइए तो हम लोग हेल्दी डिस्कशन कर पाएंगे, मुझे भी सीखने मिलेगा क्या पॉइंट मैंने मिस कर दिया क्या मैं नहीं बता पाया वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लूंगा। सो विद दैट सेड आई एम रैपिंग अप विद दिस रिएक्शन वीडियो, इन केस यू लाइक दिस रिएक्शन वीडियो गिव अ थम्स अप, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो यार, अब तो मैं भी ऐसे बोलना शुरू कर देता हूं, इंस्टाग्राम यूट्यूब सब पे सब्सक्राइब फॉलो सब करना शुरू कर दो, मेरे को भी बोलना पड़ता नहीं तो ज्यादा करते नहीं हो तुम लोग। और एंड में जाते आते वही कहूंगा जो हमेशा कहता हूं, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग and stay sexy baby।